शरणमसि सुराणां सिद्धि विद्याधराणां मुनि मनुज पशूनां दस्युभिस्त्रासितानां नृपतिग्रहगतानां व्याधिभिः पीडितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारवृन्दम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु ए, इनके पद बंदन किए नासे बिघने अने, अज्ञान अंतिम रांधक्ष ज्ञानांजन सलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम गोपाल गोलोकधाम की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आइए पहले मन और वाणी को पवित्र करें, भगवान नाम संकीर्तन के साथ फिर कथा में प्रवेश करें। चर्चा क्या है फिर समझें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम सीता।
बलि के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बलि के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यह बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे शिवा सर आठोया। प्रहलाद इसी को जपते थे शिवा सर आठोया। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह राम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जी की वीणा पर भी बजता यह सुंदर नाम। नारद जी की वीणा पर भी बजता यह सुंदर नाम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। गौ माता की जय। सर्वदेवमयी गौ माता जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। श्री सीताराम गोपाल गोलोक धाम के पवित्र प्रांगण में और गौ माता की चरण सन्निधि का आश्रय हम सभी को प्राप्त हो रहा है। और कहते हैं जहां गौ माता का आश्रय हो और भगवान की दिव्य कथा मिल जाए तो वह क्षेत्र तीर्थ बन जाता है। देखो जहां तीन चीजें मिलती हैं वहां त्रिवेणी हो जाती है। ये तो आप लोगों को मालूम ही है। तो यहां भी तीन चीजें हैं और ऐसा नहीं कि इस बार ही हैं, हमेशा के लिए हैं। और जब तक ये यहां रहेंगे, ये स्थान रहेगा, गौ माता रहेगी, ये नाम रहेगा, तब तक यहां तीर्थ ही होगा। अच्छा ऐसा मैंने क्यों कहा पता है? क्योंकि जहां तीन चीजें होती हैं वहां त्रिवेणी होती है। गौ माता के चरण सन्निधि है और गौ माता के पालन के लिए भगवान नारायण ही गोपाल बन करके आए। गोपाल बन करके भगवान आए लेकिन उससे पहले वो सीताराम बन करके आए। और वही सीताराम की आज हम कथा सुनने को जा रहे हैं। देखो सौभाग्य तो है ही है क्योंकि मानस में बाबा जी स्वयं लिखते हैं सारे सुकृत कर्मों का फल है हम भगवान की कथा श्रवण करें। सकल सुकृत फल एक स्नेहु
राम कथा सुनी सकल सुकृत। जितने भी हमने पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म में अभी तक जो भी हमारे द्वारा सुकृत हुए हैं, अच्छे कर्म हुए हैं, दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान व्रत पूजा पाठ, उन सारे कर्मों का फल है भगवान की कथा। आपको एक बात कहें, कई लोग नासमझी के कारण कथा भी करते हैं, कथा भी करवाते हैं और फिर पूछते हैं इसके बाद हमको फल क्या मिलेगा। लेकिन आपको एक सीधे और सरल बात बताऊं, अरे भैया तुम्हारे सारे सत्कर्मों का फल तो तुम्हें कथा मिल रही है, अब क्या चाहिए। क्योंकि तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं और हम आज से लेकर के 9 दिन तक राम चर्चा करेंगे और राम चर्चा का जो मूल आधार होगा वो होगा रामचरितमानस। ये जो रामचरितमानस है, मानस का मतलब होता है जो मन को भरने वाला है, किससे, प्रेम से परिपूर्ण करने वाला है, जो आपके मन को प्रफुल्लित करेगा, जो आपके मन को आनंदित करेगा। तीसरी बात कहूं, जो मेरा अपना एक मन करता है मानस के प्रति, मान स, मानस शब्द है पूरा, तो मान और स, यानी कि आपको संसार में मान बढ़ाएगा, मान देगा, और कैसे, बोले सादर, स आदर, आदर के साथ आपका मान बढ़ाएगा। लेकिन कब बढ़ाएगा, जब आप इसका कहना मान लोगे। थोड़ा आज की कथा ध्यान, आज क्या राम कथा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये कथा सुनने की नहीं है। और इस बार क्षमा करें, आप लोग सब विज्ञ लोग हैं, अल्प बुद्धि से कह रहा हूं, लेकिन इस बार आपको कथा सुनाने नहीं आया, इस बार आपको समझाने आया हूं, क्योंकि सुनने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं नहीं कह रहा, सुनि समुझही जनमुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। क्योंकि तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं ये जो राम कथा है ये सुनने की कथा नहीं है, तो बोले किसकी है, सुनि समुझी, सुन करके समझने की कथा है। लेकिन समस्या यही है, हम लोग सुन तो लेते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर समझ गए आप तो हो गया बेड़ा पार, लेकिन समस्या तो यही है, हम लोग सुन तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। तो प्रयास रहेगा, ये जो दोहा है तुलसीदास जी गारंटी दे रहे हैं, सुन समझे जनम मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। अगर कोई व्यक्ति इस कथा को सुनेगा समझेगा, जन व्यक्ति मुदित प्रसन्न होकर अनुराग प्रेम के साथ, तो तुलसी का दास जी कह रहे लहहि चार फल, उसको चार चीजें मिलेंगी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष निश्चित है। क्यों, तनु साधु समाज प्रयाग, प्रयाग के समान साधु माघ के महीने में जो चलता है, अभी आगे चर्चा आई। अब देखो ऐसी दिव्य कथा को समझ कर सुनने के बाद हम न समझें तो कल्याण में शंका है। और ये जो भगवान की दिव्य कथा है ना, ये कथा कैसी है पता है? भगवान उत्तरकांड में 42 नंबर दोहे में कह रहे हैं, ये समझने की चीज है। भगवान कहते हैं जो मेरा सेवक बनकर के, मेरा प्रिय बनकर के
मेरे अनुशासन में रहेगा, कल्याण मैं उसी का करूंगा। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, मम अनुशासन माने जोई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, मम अनुशासन माने जोई, माने अनुशासन में रहता है वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है। अब ये बात समझने की है कि नहीं है? क्योंकि हम लोग कई बार बोलते हैं इतनी पूजा करी, पाठ करी, सब कुछ करा, भगवान फिर भी नहीं सुनते। भगवान कह रहे मेरे अनुशासन में तो रहो भाई। साधारण से जीवन में भी माता पिता के अनुशासन में जो बच्चा रहता है, माता पिता सहर्ष उसे सब कुछ दे देते हैं, और जो अनुशासन से बाहर जाता है तो माता पिता तो कहते हैं भैया हमारे पास कुछ है ही नहीं। क्यों? तो हमारे अनुसार नहीं चलता। तुलसीदास जी ये जो कथा है ना, देखो इस कथा को खाली कथा ना समझिएगा। आज से हम जो सुनने जा रहे हैं इसको कोई कथा ना समझिएगा, न कहानी समझिएगा, न कोई चैप्टर समझिएगा। ये जो आज से होने जा रहा है ये जीवन जीने के लिए एक कला है। जीवन कैसे जिया जाए, जीवन में क्या किया जाए, ये सिखलाने के लिए एक सूत्र है। सूत्र ही आधार होता है महाराज नैया पार लगाने के लिए। सात कांड हैं इसमें, और तुलसीदास जी कहते हैं इन सात कांडों की कथा का जो मूल निचोड़ है क्या, मन क्रम वचन जनित अघ जाय। मन क्रम वाणी से जो पाप हमसे हुए हैं वो सब चले जाएंगे। सुनहिं जे कथा श्रवण मन लाई। जो मन लगाकर सुनेगा, अब मन लगाकर कितने लोग सुनेंगे, कौन सुनेगा ये तो वही जानता है, ये कोई और नहीं समझ सकता। लेकिन समस्या तो ये है मन लग भी रहा हो तो आजकल सबसे बड़ी आफत तो बगल में जेब में ही धरी पड़ी है, बज जाए तो मन डिस्टर्ब कर देती है। अब मन लगा के अगर सुनना हो, मन लग रहा हो तो एक काम करिएगा, ये जो आफत की पुड़िया धरे पड़े हो इसका ढक्कन बंद कर देना, कम से कम 3 घंटे। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा 3 घंटा सुनो। आप 3 घंटा सुनो, 1 घंटा सुनो, आधा घंटा सुनो, 10 मिनट सुनो, लेकिन जितना भी सुनो मन लगाकर सुनो। इस का कहने का तात्पर्य है आप जितना भी सुने, एक घड़ी आधी में पुनियाद, लेकिन उतना मन लगाकर सुने उतनी देर आप सब भूल जाओगे। घर परिवार धन संपत्ति व्यापार दुकान बजार सब भूल जाओ उतनी देर। कम से कम उतनी देर के लिए आप इसकी होकर के रह जाओ। एक बात बताएं,
जो ऐसे करता है उसी का कल्याण होता है। वरना कथा सुनने के बाद भी ये जो आफत है ना महाराज जाति नहीं है। सुन तो रहे हैं हर साल जा रही है क्या, लेकिन संशय भी रखा है और समाधान चाहते हैं लेकिन समाधान करते नहीं है। वरना तुलसीदास जी सीधे सीधे लिख रहे मन क्रम वचन जनित अघ जाए सुनहि जे कथा श्रवण मन लाए। जो मन लगाकर भगवान की कथा को सुनेगा, तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं गारंटी के साथ कहता हूं, वचन देता हूं आपको, बताओ कौन कहेगा ऐसा, कोई कहेगा? आपके अघ का मतलब होता है पाप, जाई वो जाएंगे वो रहेंगे नहीं। भाई सीधी सीधी बात है, पानी बरस रहा हो अगर खड़े हो गए तो भीगोगे तो सही, नहीं भीगोगे? अब लेकिन कहीं रेनकोट पहन के बैठे खड़े हो तो फिर कहां से भीगोगे? रेनकोट उतारना पड़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं देखो भगवान की तो शर्त है मानस में। देखो पहले आप मानस की भूमिका समझो, कथा तो बहुत दूर है। भगवान शंकर कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, ये जब जीवात्मा मेरे सामने आ जाता है मैं उसके करोड़ों जन्मों के पाप ताप संताप नष्ट कर देता हूं। मेरे सामने तो आए लेकिन सामने जाता कहां है आदमी? सामने जाने का मतलब ये नहीं है कि हम चले गए और खड़े हो गए। भगवान के सामने कैसे जाते हैं बताएं? भगवान अपने सामने किसको मानते हैं? जैसे पिता के दो बच्चे हैं, एक तो पिताजी का कहना मानता हो, पिताजी के अनुसार चलता हो, वो कहीं भी रहता हो वो पिता की नजरों में रहता है, और एक नालायक हो तो पिता ध्यान नहीं देता। तो भगवान कहते हैं जो आदमी पाप छोड़ करके मेरे सामने आता है वही मेरी नजरों के सामने है। जो पाप भी करता है, पाप का मतलब अधर्म के मार्ग में चलता है और राम राम भी करता है, वो मेरे पीछे है, वो मेरे आगे नहीं आ सकता। जो सत्य के मार्ग पर चलता है मेरे सामने तो वही आता है। अच्छा एक बात बताओ, सामने जो व्यक्ति अगर कोई आएगा आपके सामने तो एक साधारण सा व्यक्ति भी स्वभाव है, अगर आपने किसी को आते हुए देख लिया तो आपके हाथ तो जुड़ेंगे, अगर थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ तो आप खड़े भी होंगे, और अगर कहीं विशेष हुआ तो फिर आप आगे भी बढ़ोगे उसको लेने के लिए। क्यों? सामने से आ रहा है। और वही कोई अगर पीछे से आए तो कोई प्रतिक्रिया होगी? भगवान कहते हैं सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। करोड़ों करोड़ों जन्मों के अघ पाप का नाश कर देता हूं। कब? जब जीवात्मा छल प्रपंच कपट छोड़ करके मेरे सामने आ जाता है। अब लेकिन समस्या तो यही है, हम मंदिर भी जाते हैं, हम तीर्थ यात्रा करने भी जाते हैं, हम दान करने भी जाते हैं, हम कथा सुनने भी जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा है जिससे परमात्मा हमको अपने सम्मुख नहीं मानता है। इसलिए आवश्यक है, देखो कल्याण तभी होगा जब हम भगवान की मानेंगे, भगवान को मत मानो, पिताजी को नहीं पिताजी की मानो, गुरु को नहीं गुरु की मानो, शास्त्र को नहीं शास्त्र की मानो। इन शास्त्रों की पूजा करना आसान नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं बस धूप अगरबत्ती दिखा दो आरती घुमा दो हो गई पूजा। ये शास्त्रों की पूजा ऐसे नहीं होती, शास्त्रों की पूजा सुनने से समझने से होती है, जीवन में उतारने से होती है। जो इन शास्त्रों में कहा गया है उसे जो जीवन में उतारता है ना महाराज, वही इसकी सच्ची पूजा है।
इसलिए हम लोग ये मानस को सामने रख करके इसकी पहले पूजा करते हैं। ये साधारण पूजा है, अब हम बैठकर 3 घंटा श्रवण कर रहे हैं, यही इसकी असली पूजा है। लेकिन श्रवण हमारा सफल होगा कब? जब समझी, जब हम समझ जाएंगे। और सच्चा मालिक वह होता है, सच्चा व्यक्ति वह है, बड़ा व्यक्ति वह है जो कभी भी अपनी बात को ऊपर रखने के लिए किसी को बाध्य नहीं करता। आप पूरा मानस उठा के देखिए, राम जी ने कभी अपनी बात को ऊपर रखा ही नहीं। सुग्रीव, हनुमान, विभीषण जब कभी कुछ कह भी देते हैं, राम जी अपनी इच्छा रखते हैं, लेकिन जब वो कुछ कहते हैं तो राम जी कहते हैं ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। बड़े आदमी का लक्षण है वो अपनी बात ऊपर नहीं रखता। देखो, सबको साथ लेकर चलना इतना आसान नहीं होता। अगर सबको साथ लेकर चलना है तो थोड़ा सा लचीलापन तो लाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। सात कांड है। सात कांड का मतलब होता है अध्याय, कांड का मतलब होता है चैप्टर, कांड का मतलब होता है स्कंद। सात अध्याय समझ लो, स्कंद समझ लो, चैप्टर समझ लो। बाल कांड भगवान का चरण है। चरण न बाल कांड सोई अयोध्या कटिमान, अरण्य उदर किसकिंदा ग्रीवा मुख माहि सुंदर कांड। चरण भगवान की, ये जो मैंने कहा ना शुरू में, वांगमयी मूर्ति भगवान का पूरा दिव्य स्वरूप है। ये मूर्ति है सामने हमारी, लेकिन कैसे देखना है इसको? बालकांड भगवान के चरण है, अयोध्या कांड भगवान की कमर है। और कमर एक ऐसा भाग होता है जिसमें सारे शरीर का सब कुछ खड़ा है। पूरा शरीर कमर में तो खड़ा है। और अरण्य कांड है भगवान का उदर, किष्किंधा कांड है भगवान की ग्रीवा। अच्छा, ग्रीवा का भी बड़ा कमाल होता है। ग्रीवा भी 3 प्रकार की होती है, आपकी भाषा में कह दूं तो गर्दन, वैसे इतने को कहते हैं ग्रीवा। किसी की तो बिल्कुल छोटी होती है, धसी हुई, उसको अगर कहीं इधर उधर देखना भी हो तो बेचारे को ऐसे पूरा ही मोड़ना पड़ता है, देखा होगा। और किसी की बड़ी लंबी होती है, और कोई कोई होते हैं जिनकी ठीक ठाक बढ़िया सुंदर सुडोल होती है। और कहते हैं ग्रीवा जितनी सुंदर हो, व्यक्ति का व्यक्तित्व और व्यक्ति की सुंदरता उतनी ज्यादा निखरती है। ये ग्रीवा का बड़ा प्रभाव होता है। सुंदर मुख माही, सुंदर कांड है मुख। अब देखो, सुंदर कांड मुख है, मुख को सुंदर ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये मुखी तो गड़बड़ है, अगर गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ करेगा, और सुंदर हो गया तो सुंदर ही करेगा। ये मुख ही है जो माला भी डलवा देता है, जो जूते भी खिला देता है। ये मुख ही है जो जय जयकार भी करा देता है और थू थू भी करा देता है। लंका बुद्धि मस्तिष्क, बुद्धि, ये बुद्धि, बुद्धि तो है जो उत्पात मचाती है। इसलिए लंका कांड में सारे राक्षस मर ही गए, जितने थे सब मर गए। उत्पात तो यही होता है, अगर बुद्धि में लंका ना हो तो कांड होगा ही नहीं। अभी समझेंगे इसको भी कैसे क्या। और उत्तर कांड है सुंदर राज्याभिषेक के लिए, खुशी मनाने के लिए, आनंद के लिए, और वो है हमारा ये मस्तिष्क, ब्रह्मरंध्र।
आनंद की प्राप्ति हो, अभिषेक जीवन में खुशियां हो हमारे। तुलसीदास जी ने इस विषय में तो बहुत कुछ लिखा है, खाली इतने में ही बाल कांड, पहले बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा कांड है, फिर सुंदर कांड है, फिर युद्ध कांड है, फिर उत्तर कांड है। उत्तर कांड लंका कांड को लंका कांड नहीं कहते, युद्ध कांड कहते हैं। और लंका कांड में सारे के सारे राक्षस मारे गए, और जब राक्षस मरेंगे तभी राज्याभिषेक होगा, तभी खुशी आएगी, प्रसन्नता आएगी, तभी सत्य का आश्रय होगा, तभी धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। बालकांड बचपन के लिए है, अयोध्या कांड बचपन से लेकर पचपन के लिए है, अरण्य कांड तपने के लिए है, किष्किंधा कांड कुछ करने के लिए है, सुंदर कांड जीवन को सुंदर बनाने के लिए है, और युद्ध कांड अपने सारे काम क्रोध आदि विकार लोभादि शत्रुओं को मारने के लिए है, और उत्तर कांड आनंद की प्राप्ति के लिए है। ये सात कांड हैं, और इन कांडों को यूं ही मत समझा करो, इनकी बड़ी महिमा है। तुलसीदास जी मानस को प्रारंभ करते हैं, तो आइए हम भी मानस को प्रारंभ करें, क्योंकि आज प्रथम दिवस है, तो इसलिए जहां तक भगवान कृपा करेंगे तो प्रयास करेंगे कि हम मानस को मानस की गति से ले जा पाएं। ऐसी भगवान हमारे ऊपर कृपा करें, माँ गौ कृपा करें, मेरे भगवती कृपा करें, भगवान सीताराम कृपा करें। इसी के साथ वर्णानाम अर्थ संगानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्ण समूह का आश्रय लेकर के तुलसीदास जी ने प्रारंभ किया है मानस को। देखो, मानस का प्रारंभ भी व पर है और विराम भी व पर है। दह्यंत नो मानवा, व से प्रारंभ और व पर खत्म। बड़े बड़े विद्वानों के लिए, योगियों के लिए, संतों के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे लिए तो महाराज हमारी समझ से परे है कि तुलसीदास जी ने इस मानस को व पर शुरू किया और व पर क्यों खत्म किया। दह्यंत नो मानवा, ये अंतिम श्लोक है मानस। वर्ण समूह का आश्रय लेकर के, सभी रस और छंदों का आश्रय लेकर के तुलसीदास जी कहते हैं, जो मंगल करने वाले हैं, मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूं। देखो, सबसे पहले गणपति बाबा को प्रणाम किया, सरस्वती मैया को पुनः प्रणाम किया। गणपति को पहले प्रणाम क्यों किया पता? एक एक भगवान गणेश बुद्धि देते हैं, बुद्धि के दाता हैं, बुद्धि गणेश जी देते हैं। और सरस्वती को क्यों याद किया? क्योंकि वाणी सरस्वती देती है। कई लोग ऐसे होते हैं, बुद्धि में बहुत ज्ञान है लेकिन वाणी से बोलना ही नहीं आता, कहना ही नहीं आता, समझाना ही नहीं आता। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान गणपति मेरे और माँ शारदा मेरी वाणी में, मेरी जिह्वा में विराजमान हो गए, कहने की शक्ति मुझे प्रदान करे। जब छोटे थे तब पढ़ा था, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ,
हमें तार दे माँ, हमें तार दे माँ, सर दे माँ। जब कक्षा आठ में थे तब यही कविता थी, दे सर दे। और आज पता नहीं क्यों दिमाग में आ गई अचानक, सर दे। निराला जी ने लिखा है बड़ी सुंदर भाव में, तेरे गुण में गाऊं, तेरे गुण में गाऊं, मुझे तार दे तेरे
शारदे। तुलसीदास जी इसलिए बुद्धि के देवता गणेश जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं आप बुद्धि प्रदान करो और वाणी की अधिष्ठात्री देवी मुझे बोलने की शक्ति प्रदान करें। अच्छा देखो, तुलसीदास जी पंचदेव उपासना के स्वरूप हैं, वो पंचदेव उपासक हैं और पंचदेव में उपासना में सबसे पहले जो सृष्टि के देवता हैं उनका नाम है गणेश। इसलिए भी गणेश जी को पुकारते हैं क्योंकि बिना गणेश जी के आगे कुछ होता ही नहीं। प्रथम पूज्य श्री गणपति जी को मनाय के, प्रथम जब गणपति जी का पूजन होता है तभी आगे कोई कार्य प्रारंभ होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने पहले गणेश जी को प्रणाम किया, फिर वाणी की अधिष्ठात्री को प्रणाम किया, दूसरे श्लोक में शिव और पार्वती को प्रणाम किया जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। देखो आप ये समझो, हमारे लिए इशारा है, सबसे पहले विघ्न विनाशक भगवान को याद करो, फिर वाणी की अधिष्ठात्री को याद करो, उसके बाद अपने जीवन में श्रद्धा और विश्वास को लेके आओ। पहले गणेश पूजन हो, गणेश वंदन हो, फिर सरस्वती का स्मरण हो, इन दोनों के होने के बाद बुद्धि और वाणी देने वाले देवताओं का स्मरण करने के बाद, या ये समझ लो भगवान बुद्धि दे दे वाणी दे दें तो मन में अश्रद्धा नहीं आनी चाहिए, श्रद्धा आनी चाहिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, फिर आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास आना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास कैसा आवे? देखो श्रद्धा और विश्वास तो हो लेकिन कैसा हो? जैसा हनुमान जी का है राम जी के प्रति। इसलिए तीसरे श्लोक में जगत गुरु शंकर जी को प्रणाम किया और उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम किया, वाल्मीकि जी को प्रणाम किया। भगवान शंकर को जगत गुरु कहते हैं, वैसे तो कृष्णम मंदे जगत गुरुम भी है लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं जो सारे संसार को बोध कराने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, वो जो जगत गुरु है वो कौन है? वो शंकर जी हैं। और शंकर जी कैसे ज्ञान देने वाले हैं और ज्ञान कैसा होना चाहिए जीवन में? ज्ञान ऐसा होना चाहिए टेढ़े आदमी को भी आप अपने मस्तिष्क में विराजमान कर लो। चंद्रमा बहुत टेढ़ा आदमी है कि नहीं है? और वो भी द्वितीया का, तो द्वितीया के टेढ़े चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने सर में बैठा रखा है। इसलिए लिखते हैं यमा सितो ही वक्रोपी, वक्र का मतलब टेढ़ा आदमी। नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यानी कि भगवान ऐसी श्रद्धा ऐसा विश्वास देवे हो जावे हमको, हमको ऐसा बोध हो ऐसा ज्ञान हो कैसा जैसे भगवान शंकर के पास है। और कैसा ज्ञान है शंकर जी को कि शंकर जी टेढ़े आदमी को भी सर में बैठा लेते। जिस आदमी की थूथू हो रही थी उस आदमी को भगवान ने सर में बैठा करके जगत पूज्य बना दिया। ये कृपा है हमारे बाबा की। उसके बाद कपीश्वर कवीश्वरों कहते हुए सबसे पहले वाल्मीकि जी के और हनुमान जी को प्रणाम किया। देखो किसी अगर जंगल में जाना हो, किसी नए स्थान पर जाना हो तो वहां जो लोग पहले से गए हैं उनकी सहायता लेनी चाहिए। अगर बिना किसी से पूछे चले गए तो भटकने का भय है क्योंकि जंगल भयंकर हो,
जहां घुस जाओ तो फिर आने का रास्ता भी मालूम न पड़े, जहां को जाए वहां को एक जैसा ही दिखे, तो कैसे बाहर आओगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मैं ऐसे ही राम रूपी अरण्य में भ्रमण करने निकल रहा हूं। ये जो राम जी का, राम जी की जो कथा है, ये अरण्य है। अरण्य का मतलब जंगल, और जंगल भी कैसा है, बोले घनघोर। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। मैं इस अरण्य में विहार के लिए निकल रहा हूं, और मैं कहीं भटक न जाऊं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, जो पहले उस अरण्य में घूम करके बाहर आ गए हैं उनकी शरण जा रहा हूं। और वो कौन है दो लोग, एक वाल्मीकि जी हैं जो राम जी के अरण्य में घूम करके बाहर आ गए हैं, और दूसरे हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए जो जिस अरण्य में घूमा हो उसकी शरण में जाना चाहिए। अगर सीधे सीधे चले जाओगे ना तो भटकने का भय है, रास्ता भटक जाओगे। ये कथा हमको एक सीख भी देती है। यहां पर YouTube से मंत्र निकाल करके सीधे सीधे जपा मत करो, किसी ऐसे सदगुरु से लिया करो जो पहले उसको जानता हो। पता लगा मंत्र ले लिया, जप भी लिया, और पता लगा अनुस्वार उस मंत्र में YouTube में गलत लग के छप के आ गया, आपने गलत जप दिया, उसका गलत प्रभाव हो गया, फिर रोते रहोगे। नाम नहीं बताऊंगा, मुझे कल ही एक व्यक्ति मिला जो बोला, गुरुजी मेरी तो हालत खराब होगी, 60 लाख रुपए डूब गया मेरा। एक मंत्र बताया उसने, जब से बोला मेरे को ये किसी ने वो किया। मंत्र का प्रभाव उल्टा भी होता है। उसे पहले सही से समझो, जानो, पहचानो, तब जाकर जपो। अगर आप किसी विशेष कामना से कोई मंत्र को जप रहे हो, उसका उल्टा फल भी हो सकता है। हाँ, आनंद के लिए, प्रेम के लिए जप रहे हो तो फिर भैया अलग बात है, भाव समाधि अलग चीज है। तीन रास्ते हैं हमारे पास, कर्म कांड, भक्ति कांड, ज्ञान कांड। भक्ति कांड में भाव प्रधान है, यहाँ भावना चाहिए आपकी। मंत्र शुद्ध हो, लेकिन भावना शुद्ध हो तो शुद्ध माना जाता है। लेकिन कर्म कांड में मंत्र शुद्ध होना चाहिए, यहाँ भावना नहीं चलती, यहाँ क्रिया चलती है, यहाँ क्रिया शुद्ध होनी चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सीता राम रूपी अरण्य में घूमने जा रहा हूं, कहीं मैं भटक न जाऊं। इसलिए बंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। जो सीताराम की कथा रूपी अरण्य में पहले घूम करके आ चुके हैं दो महापुरुष हैं, वाल्मीकि जी और हनुमान जी, मैं उनकी शरण में प्रार्थना करता हूँ, वो मुझे उस अरण्य में से बाहर निकाल लाए या घुमा के लेके आवे। क्यों? क्योंकि मैं भटक सकता हूँ। उसके बाद तुलसीदास जी इस सारे संसार का जो सृजन पालन संग्रहण कर रही हैं माँ भगवती आदि शक्ति, उनको याद करती हैं। देखो, तुलसीदास जी के इष्ट राम जी हैं, लेकिन तुलसीदास जी अपने इष्ट राम की वंदना करने से पहले जो शक्ति इस सारे संसार को बनाती है, संभालती है और बिगाड़ती है, उसकी प्रार्थना करते हैं। और क्या कह रहे, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम बल्लभा। मैं ऐसी राम बल्लभा जग जननी जनक नंदनी सीता मैया को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से संसार बनता है, सफलता है, और अंत में उन्हीं की कृपा से बिगड़ जाता है, लय हो जाता है। उत्पत्ति, स्थिति और संहार तीनों वो करती है। करता राम नजर आता है, लेकिन राम नहीं करते, करती सीता मैया हैं सब। इसलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया है,
उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेश हारणी सारे क्लेशों का हरण करने वाली हैं कौन सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम बल्लभा राम की प्राण बल्लभा। ये जो सीता मैया है ना ये साधारण स्त्री नहीं है ये साक्षात जगजननी भवानी जगदम्बा है इन्हीं की कृपा दृष्टि से राम भी कुछ कर पाते हैं इसलिए आपने देखा होगा हर कोई देवता अपनी शक्ति के साथ खड़ा होता है नारायण के साथ लक्ष्मी खड़ी है ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी खड़ी है शंकर के साथ पार्वती मैया खड़ी है राम जी के साथ सीता खड़ी है हर के साथ राधा कृष्ण सीता राम लक्ष्मी नारायण भवानी शंकर हमेशा पहले नाम शक्ति का आता है। देखो बिना शक्ति की पहचान नहीं होती और इसीलिए आजकल आप लोग देखते हो लोगों को कोई पद मिलता है या किसी ने पढ़ाई में कोई डिग्री ले ली तो अपने नाम के आगे वो डिग्री जोड़ देता है जोड़ता है ना किसी ने पीएचडी कर ली हो तो अपने नाम के आगे जोड़ देगा डॉक्टर क्यों जोड़ा वो दिखाना चाहता है मेरी शक्ति है मैं साधारण नहीं हूं मैं डॉक्टरेट हूं। आदमी अपने नाम के आगे लगा लेता है माननीय फिर अपना जो भी पद होगा वो फिर उसके बाद पीछे नाम आएगा वो दिखाना चाहता है मेरी शक्ति ये है। तो इसलिए जो ये शक्ति खड़ी है ना सब देवताओं के साथ तब जाके शक्तिमान कुछ करता है। उसके बाद भगवान शंकर वाल्मीकि हनुमान जी सीता जी को प्रणाम करने के बाद अपने प्राण प्रियतम प्राण बल्लभा भगवान राम को नमन करते हैं और उसके बाद अंत में तुलसीदास जी अंतिम श्लोक में कहते हैं आप लोग ये न समझिएगा मैं ये मानस को यूं ही लिख रहा हूं इस बात को समझिए थोड़ा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखने से पहले तीन बार चार वेद पढ़े 18 पुराण पढ़े 18 उपपुराण पढ़े 4 उपवेद पढ़े 6 उपांग जिन्हें 6 शास्त्र कहते हैं वो पढ़े। जब ये सब अध्ययन तीन बार इन्होंने किया है और भली भांति जब समझ लिया है तब जाकर उन्होंने रामचरितमानस को लिखा है। आप ये ना समझिएगा कि तुलसीदास जी अनपढ़ आदमी है और शुरू के 7 श्लोक संस्कृत में इसलिए लिखे हैं ताकि कोई ये ना समझे कि तुलसीदास जी को संस्कृत नहीं आती थी। इसके पीछे भी एक कथा है तुलसीदास जी पहले मानस को संस्कृत में ही लिख रहे थे रोज लिखते थे संस्कृत में रख देते थे पोथी को लेकिन पता है दूसरे दिन जब सुबह उठते थे पोथी खोलते थे आगे लिखने के लिए तो जो लिखा होता था सब मिट जाता था। ऐसा करते करते महीनों बीत गए तुलसीदास जी बड़े परेशान हो गए मैं लिखता जाऊं रात को रखूं तो सुबह मिट जाए। जब परेशान हो गए तो भगवान से कहा प्रभु ये क्या लीला है क्या हो रहा है सब। तब पता है भगवान शंकर ने उनसे स्वप्न में कहा मैं चाहता हूं तुम संस्कृत में नहीं तुम हिंदी में इसे लिखो। क्यों क्योंकि जो आने वाला युग है आने वाला जो समय है लोग संस्कृत नहीं समझेंगे ये मंद बुद्धि लोग हैं ये संस्कृत के शब्दों का अर्थ होगा कुछ लगाएंगे कुछ लिखा कुछ होगा समझाना कुछ चाह रहा श्लोक लेकिन ये समझ कुछ और जाएंगे। इसीलिए कई बार लोग आज हमसे भी बोलते हैं कई बार बोले वहां तो ऐसा लिखा है ऐसा तो नहीं लिखना चाहिए था व्यास जी को। अरे मूर्ख आदमी समझ तो सही वो कहना क्या चाह रहे हैं वो शब्द का भाव क्या है अर्थ क्या है। हमारे जो वेद भगवान हैं पुराण हैं ये परोक्षवादी है
जब तुलसीदास जी को सपने में कहा, मैं चाहता हूं आप हिंदी में लिखें ताकि सर्वजन के लिए सुलभ हो जाए। वेद तत्व देखो, चार वेदों का सार, एक वेद का सार चार बने, चार के चार उपवेद बने, 18 पुराण बने, 18 उपपुराण बने। ये सब व्यास जी ने विभाजन किया है। वेदों को समझने में असमर्थ समझा, पुराण बनाए, पुराण को समझने में असमर्थ समझा तो रामचरितमानस बनाया, और कहीं पर वर्णन है गीता बनाई, और गीता को समझने में जब असमर्थ हुए तब रामचरितमानस बनाया, और वर्णन है जो मानस को नहीं समझ पाते उनके लिए गीता बनाई। ये सार है एक करके, चार वेदों का सार 18 पुराणों में, 18 पुराणों का सार मानस में या गीता जी में, गीता जी और मानस का सार सुंदर कांड में। सार का तत्व है सुंदर कांड में। अगर सुंदर कांड भी समझ लिया जाए सब कुछ समझा जा सकता है, और सुंदर कांड का सार है हनुमान चालीसा में। भैया पहले तो वेद समझो, पुराण समझो, नहीं समझ सकते गीता समझो, रामायण समझो, नहीं समझ सकते, इतना समय तो निकालो कि सुंदरकांड समझ सको। लोग सुंदरकांड समझते थोड़ी हैं, पाठ रोज करते, एक चौपाई का मतलब पूछो किसी से मालूम नहीं होगा, इमला जैसी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सुंदरकांड का पाठ करने से कुछ नहीं होगा, समझने से होगा। इसलिए शुरू में कह दिया सुनी समझी, सुनो और समझो। और एक बात आपको और कह दूं खुले शब्दों में, इन चीजों को पढ़ने से आपको ज्ञान कदापि नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा, आपको उदाहरण भी दे रहा हूं, अगर पढ़ने से ज्ञान होता तो आप अपने बच्चे के लिए किताब बुक लाते हो घर में, गाइड लाके देते हो, फिर स्कूल क्यों भेजते हो? चलो स्कूल भेज दिया डिग्री मिल जाएगी तो ट्यूशन क्यों लगाते हो? क्यों? क्योंकि वो किताब से नहीं समझ रहा है, नहीं समझ पाएगा, इसलिए आपको ट्यूशन और ट्यूशन टीचर की आवश्यकता पड़ती है। किस लिए? समझाने के लिए। ऐसे ही ये शास्त्र भी हैं, इनको आप पढ़ के नहीं समझ सकते, आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी, और वही समझाने के लिए इतने बड़े आयोजन होते हैं कि आओ सुनो समझो। लेकिन लोग कहां समझना चाहते हैं? सुनि समझी मन मुदित मन, जो मुदित मन से, प्रेम से, श्रद्धा से, अनुराग से इस कथा को सुनेगा, सुन करके समझेगा, लहा ही चार फल, चार फल मिलते हैं उसे। तुलसीदास जी कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मञ्जुलमातनोति। तुलसीदास जी कह रहे, आपको भला लगे न लगे, अच्छा लगे न लगे, मुझे इससे लेना देना नहीं। मैंने ये लिखा है क्यों? स्वांतः सुखाय, अपनी अंतःकरण की शांति के लिए, सुख के लिए। मानो तुम्हारी मर्जी न मानो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे को इसके बाद शांति मिली, सुख मिला, और मैं चाहता हूं जो सुख और शांति मुझे मिली है वो आप सबको मिले। इसलिए भाषा निबद्ध, मैं भाषाबद्ध कर रहा हूं, लिख रहा हूं, ताकि आप सब भी इसका आनंद लें। तुलसीदास जी कहते हैं,
नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद। नाना पुराण यानी कि सभी पुराण वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद जो सार तत्व निकाला है वो मैं सब इसमें देने वाला हूं। सब बाजार में जितने प्रकार के फल हों उन सारे फलों का जूस निकाल करके एक जग में रख दिया जाए और फिर आपसे कहा जाए ये लो जूस पियो, और कहा जाए सब फलों का जूस है, मिक्स जूस है। अब मिक्स जूस का प्रभाव तो है ही, कुछ नहीं छोड़ा। नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद। तुलसीदास जी कह रहे हैं रामायण के नाम से मैं इसे लिख रहा हूं, लेकिन क्वचिद अन्य तोपि, क्वचिद अन्य तोपि, कुछ में अपनी तरफ से भी लिख रहा हूं। सब कुछ वेद शास्त्र का ही नहीं है। देखो कोई ये ना समझे तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा है, तो तुलसीदास जी कहते हैं इस शास्त्र में जो अच्छाई है वो वेद शास्त्रों की है, जहां तुम्हें बुराई लगे समझ लेना मैंने लिखा है, मैंने अपने लिए लिखा है। इसलिए आपको इन मानस के अंदर में कभी कभी कुछ चौपाइयां, कुछ दोहे, कुछ छंद ऐसे मिलेंगे जिसमें तुलसीदास जी की बहुत कठोर भाषा है। वो सठ मूर्ख कामी शब्द का तो उपयोग करते हैं और कहते हैं काम ही नारे प्यार जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतरा प्रिय लागे हूं मोहिराम। जैसे किसी कामी को नारी प्रिय होती है, किसी लोभी को धन प्रिय होता है, ऐसे ही मेरे को भगवान राम प्रिय हो जाए। तुलसीदास जी इसीलिए कह रहे क्वचिदन्य तोपी, कुछ मैं अपनी ओर से लिख रहा हूं, इसलिए आप इसे फालतू न समझना, वो भी मैंने लिखा है तो अनुभव से लिखा है। सात श्लोकों को संस्कृत में लिखा, उसके बाद पांच दोहे लिखे हैं, वंदन करना प्रारंभ किया। इस पृथ्वी के सबसे जो बड़े देवता हैं, सबसे पहले जो देवता हैं, उनको पहले प्रणाम किया। इस दुनिया के, इस पृथ्वी के पहले देवता कौन है पता है? ये समझने की चीजें हैं। बंदाओ गुरु पद पद मुपरागा, वो गुरु है जो सुरुचि देते हैं, सुवास देते हैं, सरस बनाते हैं जीवन को, अनुराग देते हैं जीवन में। बंदाओ गुरु पद पद मुपरागा, वो गुरु है जो सबसे बड़े देवता है, इस संसार के प्रथम देवता है, जो हमारे बीच में हमारे रूप में रहते हैं, इसलिए लिख दिया। और गुरु की चरण सन्निधि का जो आश्रय लेता है उसको मिलता क्या है, सो रुचि की रुचि अच्छी होती है धीरे धीरे। वास्तव में गुरु की चरण सन्निधि में रहोगे, संपर्क में रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी रुचि अपने आप चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। मांसाहारी मांसाहार करना छोड़ देगा, मदिरा वाला मदिरा छोड़ेगा, खान पान सुधरेगा, फिर व्यवहार सुधरेगा, फिर घर सुधरेगा, फिर परिवार सुधरेगा, फिर समाज सुधरेगा। रुचि सुधरती है पहले, रुचि, और जब रुचि सुधर जाती है तब क्या होता है, सुवास, फिर अच्छी खुशबू आती है। अच्छी खुशबू का मतलब व्यक्ति का नाम समाज में होता है कैसा, सु अच्छा। अगर आप खाना पीना छोड़ दो, गलत व्यवहार करना छोड़ दो, तो दुनिया तो कहती है ना, बिल्कुल ये बड़े सज्जन आदमी हैं। सरस, वो व्यक्ति सरल होता है, अनुराग प्रेमी हो जाता है। और गुरु चरण रज क्या है, जो आंखों में, जैसे आंखों की सुंदरता के लिए काजल लगाते हैं, ऐसे ही गुरु चरण रज है जो हमारे जीवन को सुंदर बनाती है।
यहाँ पर गुरु की महिमा है और उसके बाद प्रथम देवता है ब्राह्मण, उनको वंदन किया। वंदन करते करते तुलसीदास जी 43 क्रमांक 43 दोहे तक वंदन ही करते हैं। जड़ चेतन कीट पतंग सबको प्रणाम किया है, किसी को नहीं छोड़ा तुलसीदास जी। यहां तक कि अंत में तुलसीदास जी कह देते हैं, सिया राम माया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। सिया राम मैं सारे संसार को प्रणाम करता हूँ, जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, जोरी जोग पानी। तुलसीदास जी कहते हैं, सीताराम का स्वरूप समझ करके सारे संसार को मैं प्रणाम करता हूं। मैं कहा है कारा ऊ, ऊ है शब्द, हूं नहीं है। एक शब्द अगर इधर उधर हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कारा हूं का मतलब आप लोग करो और ऊ का मतलब मैं कर रहा हूं, क्योंकि दूसरे की तो गारंटी नहीं ली जा सकती ना, लेकिन अपनी गारंटी ली जा सकती है। तो तुलसीदास जी कहते करूं प्रणाम जोरी जोरी, दोनों हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर के मैं सारी सृष्टि को प्रणाम करता हूं। जड़ चेतन कीट पतंग सबको प्रणाम करता हूं। कैसी दृष्टि होगी तुलसीदास जी की सोचो, देवता मनुष्य संत तीर्थ सबको प्रणाम तो किया ही किया, देव दनुज दनुज को भी, राक्षसों को भी प्रणाम किया, बता कीट पतंग को भी प्रणाम किया। और अंत में सोचने लगे कहां तक नाम लेके अलग अलग प्रणाम करता रहूंगा, समझ में नहीं आया तो बोले सिया राम मैं, ये सारा संसार मेरे भगवान का ही स्वरूप है और इस संसार में जो जो है जहां जहां है सबको जोर प्रणाम करूं, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, सबको प्रणाम करते हैं। और कथा का प्रारंभ है प्रयागराज से। प्रयागराज जी में प्रतिवर्ष एक उत्सव होता है, कब? माघ के महीने, एक महीने कल्पवास होता है, एक महीने तो करना ही चाहिए, वैसे दो महीने का है। तो कहते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। और उस प्रयागराज जी में कौन रहते हैं? भरद्वाज ऋषि। ये भरद्वाज ऋषि कौन है पता आपको? भरद्वाज ऋषि उस समय के सबसे बड़े मैकेनिक हैं। राम जी जब लंका से चढ़ाई करके वापस आ रहे थे, जैसे ही विमान में बैठे तो पता है आपको विमान उड़ा ही नहीं, बड़ी हाहाकार हो गई, क्या बात हो गई। तो जितने छोटे मोटे थे सबको बुला के चेक करवाया कोई, तब उस समय बताया गया भैया मैकेनिक तो है भरद्वाज जी, तो भरद्वाज जी को बुलाने के लिए भेजा गया, जाओ बुला के लाओ, ये तो कैसे जाएं हम, 14 साल पूरे होने वाले हैं, उससे पहले पहुंचना है। तो भरद्वाज जी वहां नहीं गए, वहां बैठे बैठे कह दिया इसलिए नहीं उड़ रहा है क्योंकि राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण को मारा है,
रावण ब्राह्मण है और शास्त्र कहता है ब्राह्मण कैसा ही हो लेकिन ब्राह्मण का शारीरिक कष्ट नहीं होता। आप उसे मार नहीं सकते, अपमान कर सकते हैं। इसलिए महाभारत के युद्ध में भगवान ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा के मणि निकलवाई, शिखा छेदन कराया, सूत्र निकलवाया, धक्के मार के निकलवा दिया, लेकिन अश्वत्थामा को मारा नहीं गया। भरद्वाज जी बोले बस इसीलिए नहीं उड़ रहा, उनसे कहो संकल्प करें ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करें, ठीक हो जाएगा। वो सारी क्रिया होती है और उसके बाद तुरंत ही हवाई जहाज उड़ गया। ऐसे ऋषि हैं भरद्वाज। और ये भरद्वाज जो ऋषि है वो त्रिकाल दृष्टा हैं, ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कोई साधारण आदमी है भरद्वाज ऋषि। और कभी भी ये प्रयागराज को छोड़ के नहीं जाते बाहर। तो इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग तिनहि राम पद अति अनुराग। और इनको क्या है, भगवान राम के पद चरणों में बड़ा प्रेम है। हर बार की बार संत आते थे, आकर के चले जाते थे, क्योंकि वहां बहुत बड़ा मेला लगता है। तो आइए सुने चौपाई के माध्यम से कैसा मेला लगता है वहां। माघ मकर गतक रवि जब होरे, माघ मकर गतक रवि जब होरे, तीरथ पति भावे सब कोई, तीरथ पति राज में त्रिवेणी जी में हर कोई आता है। तुलसीदास जी लिखते हैं तीरथ पतहि आव सब कोई, आव सब कोई, सब आते हैं। कौन कौन आते हैं, देव दनुज के नर नर श्रेणी, देवता देव दनुज दैत्य किन्नर नर मनुष्य श्रेणी अन्य जो भी हैं, ये सारे के सारे आते हैं। और आकर के करते क्या हैं, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सादर पूर्वक प्रेम पूर्वक सब लोग त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं। और त्रिवेणी जी में स्नान करने के बाद पूजहि माधव, भगवान माधव का पूजन करते हैं, वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं,
तीर्थों का दर्शन करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, एक महीने वहां रहते हैं और वहीं पर हमारे भरद्वाज जी का परम पवित्र अति पावन बड़ा एक सुंदर आश्रम है जिसकी सुंदरता मन को मोहने वाली है। तो जो भी संत महात्मा जो जानता है वो जाते समय भरद्वाज जी को प्रणाम करके जाता है, क्योंकि एक नियम है, आप अगर कहीं गए हो तो उस वहां पर जो मुखिया है उस घर का उससे मिलके आने का हमारा धर्म है, हमारा धर्म बनता है हम उससे मिलकर आवे। तो एक एक करके जब सब आने लगे, भरद्वाज जी को मिलने लगे, भरद्वाज जी से विदा लेने लगे, भरद्वाज जी सबको विदा देते हैं और अंत में एक दिन क्या हुआ, एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीस आश्रम ही सिधाए, सब ऋषि मुनि आए सबको विदा करी, अंत में देखा एक ऐसा संत आ जा रहा है, नाम है उनका याज्ञवल्क्य। जागवल्क मुनि परम विवेकी, जागवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज बखारे, सादर चरण सरोज बखारे, अति पुनीत आसन बैठाए, अति पुनीत आसन बैठाए, करे करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवाणी, बोले अति पुनीत मृदुवाणी, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, कर गत वेद सर्प सब तोरे, जाग बोले कर मुनि परम विवेकी, जाग बोले कर मुनि परम विवेकी। जैसे ही याज्ञवल्क्य मुनि को आता हुआ देखा तो तुरंत अपने आसन से खड़े हो गए, दौड़ करके गए, उनके चरणों में अपना सर रख करके प्रणाम किया। देखो तुम कितने ही बड़े क्यों न हो, तुम कितने ही ऊंचे स्थान में क्यों न रहते हो, लेकिन जब देखते हो कोई ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आया है तब तुम्हारा धर्म है तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ, उसको उठकर प्रणाम करो। इतना ही नहीं, भरद्वाज जी ने क्या किया, सादर चरण सरोज पखारे, याज्ञवल्क्य ऋषि के चरणों को धोया, अति पुनीत आसन बैठारे। पुनीत का मतलब सुंदर, नया, स्वच्छ, साफ आसन पर बैठाया, उनकी पूरी पूजा की गई, जो भी उनसे व्यवस्था बनती थी उस व्यवस्था के अनुसार उनकी पूजा पाठ दक्षिणा जो था सब करा। और पता है पूजा करने के बाद बोले अति पुनीत मृदुवाणी। देखो जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो, उससे प्रेम से बोलना चाहिए, वहां पर अपनी कठोरता का त्याग कर दो। वहां तुम्हारी वाणी कैसी हो ये कथा कह रही है, बोले अति, अति का मतलब बहुत, पुनीत मृदुवाणी,
बड़ी मीठी वाणी से, और वो भी कब बोले, जोर अति मृदु वाणी से बोले। और पता है क्या बोले, नाथ एक संशय बड़ मोरे। हे नाथ, मेरे बुद्धि में मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है, उस संशय को आप निकाल दीजिए। क्यों? देखो संशय हमेशा बड़ा ही होता है। ये कथा कह रही है, नाथ एक संशय बड़ मोरे, बहुत बड़ा संशय है मेरा। ये संशय निकलना ही चाहिए, अगर संशय नहीं निकलेगा तो आपके जीने को हराम कर देगा। जीना हराम कर देता संशय, नींद गायब, भूख गायब, चेहरे का रूप रंग गायब। क्यों? संशय। और हमारा शास्त्र कहता है संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति। इसलिए संशय जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर कोई संशय आपके पास है, उस संशय का समाधान करिए। अगर उस संशय का समाधान नहीं हुआ तो समझिएगा आप प्रसन्न नहीं रह सकते, आप खुश नहीं रह सकते। इसलिए क्या कह रहे हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, बहुत बड़ा संशय है। और मैं आपसे ही क्यों कह रहा हूं, इतने संत हैं, इनसे तो नहीं कहा मैंने, मैं आपसे कह रहा हूं। देखो अपने संशय को किससे कहना है, इतना भी विवेक होना चाहिए। संशय हो लेकिन हर किसी के सामने नहीं रखा जाता, हर किसी के सामने नहीं कहा जाता। संशय किसके सामने प्रकट करना है, इतना भी तो ज्ञान हो। लेकिन ये तब होगा जब आप त्रिवेणी में रहते होगे, त्रिवेणी में स्नान करते होगे। त्रिवेणी का मतलब गंगा का मतलब ज्ञान, यमुना का मतलब भक्ति, सरस्वती का मतलब वैराग्य। आपके जिन जीवन में ज्ञान भी हो, आपके जीवन में वैराग्य भी हो, आपके जीवन में भक्ति भी हो, तब आप समझ पाएंगे ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे संशय को दूर कर सकता है, या किसके सामने संशय रखना चाहिए। आज कहते हैं करगत वेद तत्व सब तोरे, आपके हाथ में चारों वेदों का तत्व है, आप सब वेदों को जानने वाले हो। और कोई भी ऐसा संशय का समाधान नहीं है जो हमारे वेदों में ना हो। ये बात समझने की है, हमारे जीवन में कोई संशय ऐसा नहीं महाराज जिस संशय का समाधान हमारे शास्त्रों में ना हो। लेकिन आवश्यकता है शास्त्र का अध्ययन करने वाला व्यक्ति तो मिले। लेकिन आजकल तो महाराज क्या बताएं, फेसबुक व्हाट्सएप ने ऐसी शास्त्रों की तो कोई कौन खोले पन्ना, किताब नहीं खोलता अब आदमी, फेसबुक व्हाट्सएप से ही सुन ली कथा, याद कर ली, जाके फिर बोल दिया, खत्म, कहानी होगी तीन घंटे, जय जय, जहां समझ में नहीं आया वहां भजन शुरू कर दो। आज के समय में कथा कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी कथावाचकों के लिए। कब तक? जब तक किताब नहीं पढ़ोगे तुम उसके मर्म को नहीं समझ पाओगे, उसके भाव को नहीं समझ सकते आप, कथा का शब्द क्या कहना चाह रहा है। आज कहते हैं महाराज करगद वेद तत्व सब तोरे, सारे वेदों का जो तत्व है, सार है, वो आपके हाथ में है, क्योंकि आप सब जानते हो। तब पता है, ये भी बड़े खतरनाक आदमी है, जबकि शुरू में ही कह रहे हैं याग मुलिक मुनि परम विवेकी, परम विवेकी हैं। कौन? याज्ञवल्क्य ऋषि। तो उनसे जैसे ही कहा बहुत बड़ा है, तो उन्होंने कहा कितना बड़ा है, और तुम्हारा संशय क्या है, पहले संशय बताओ। तो भरद्वाज ऋषि कहते हैं महाराज राम कवन में पूछहु तो ही, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहि बुझाइ कृपा निधि मोहि, कहि बुझाइ कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमार, एक राम
संशय ये है प्रभु ये राम कौन है। एक बात बताएं, जिसको राम से प्रेम होता है वो कथा जानने की जिज्ञासा के लिए कुछ भी अनभिज्ञता प्रकट कर देता है। वो ये चाहता है सत्संग प्रारंभ हो, सत्संग प्रारंभ हो, नहीं तो होता क्या पता है आपको। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, माताएं तो नहीं लेकिन आदमी विशेष करके ऐसे अगल बगल बैठे रहेंगे, दो घंटा हो गया, न वो उससे बोला न वो उससे बोलेगा, वो सोचता है ये बोले, ये सोचता है ये बोले, इस चक्कर में दो घंटा हो गया कोई नहीं बोलता। कोई तो प्रारंभ करे। एक महाराज जी थे, महाराज जी सिद्ध थे, सीता मैया को अपनी बहन मानते थे और उन्हीं में वो मस्त रहते थे। तो पता है अपने शरीर में, हाथ में, सब जगह वो कपड़ा फाड़ फाड़ के बांध देते थे। अब एक दिन ऐसी कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा था, उन्होंने कहा महाराज जी आप ये बांधते क्यों हो ये सब? ये बोले इसलिए बांधता हूं कोई पूछे तो फिर बताऊं उसे। अब बांधा नहीं होता तो पूछते क्यों? तुम पूछते नहीं तो फिर बात शुरू कैसे होती? नहीं तो तुम भी बैठे रहते, हम भी बैठे रहते, तुम हमको देखते, हम तुमको देखते। भाई शुरू करने के लिए कुछ तो मिले, वरना ऐसा ही होता है। तो भरद्वाज ऋषि ने बहाना निकाला है, जानते ये सब हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं राम कवन प्रभु पूजहु तो ही, कहहु बुझाई। हे महाराज मुझे थोड़ा समझा दो, कृपा निधि मोहि। अच्छा एक बड़ा आश्चर्य है यहाँ पर, और पता है आश्चर्य क्या है? जो पूछ रहा है, जो प्रश्न कर रहा है, वो उत्तर भी दे रहा है, संशय भी प्रकट कर रहे हैं और उस संशय का समाधान भी कर रहे हैं पीछे से। क्या कह रहे हैं पता है? नार बिरह दुखल। एक राम तो अवधेश के पुत्र थे, दशरथ नंदन राम थे, जो नारी विरह में बनबन घूमे, उनकी स्त्री का हरण करके रावण नामक एक राक्षस ले गया, उनको रोष आया, उन्होंने उसका वंश ही समाप्त कर दिया। प्रश्न भी कर रहे हैं, उत्तर भी दे दे रहे है ना जी बात। नारी बिरह दुख लहे अपार, भय हूँ रोष रण रावण मारा। क्या वही राम है या जो भगवान शंकर के हृदय में निवास करते हैं वो राम, और उस अवधेश राम में अंतर क्या है? वो दो एक हैं या दोनों अलग हैं? अब तो याज्ञवल्क्य ऋषि महाराज वो मुस्कुराए, वो ठहाका लगा के हंसे, और पता है बोले वास्तव में आपका भ्रम बहुत बड़ा भारी है संशय। अच्छा अब ये बताओ, तुम्हारे इस बड़े संशय को हम थोड़े में मिटा दें कि बहुत में मिटाएं? कैसे मिटाना ये तुम बताओ। चलो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो चाहे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत सूक्ष्म रूप से कह के छोड़ देता है, वो चाहे तो इतनी सी बात को इतना फैला देता है जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन बात समाप्त नहीं होती। गागर में सागर भी भरा जा सकता है,
लेकिन भगने का तरीका है। भाई अगस्त ऋषि जब सारे सागर को पी सकते हैं तीन अंचुली में, तो क्या नहीं हो सकता? आपका संशय कैसे मिटाना है, छोटे में या बड़े में? तो भरद्वाज ऋषि हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु जैसे मिटे मोर भ्रम भारी। मेरा भ्रम बहुत भारी है और भ्रम हमेशा भारी ही होता है। देखो पहले संशय था, अब भ्रम आ गया। जब पूछा है आपको बड़े में मिटाना है कि छोटे में निपटाना है, तब कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने छोटी बात कह दी ना, तो इनको लगा कहीं दो शब्द में कहे के बात खत्म न करें, तो भरद्वाज ऋषि चाहते नहीं थे बात इतने में समाप्त हो। तो भरद्वाज ऋषि ने यहाँ अपने विवेक का परिचय देते हुए कहा, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी। मेरा बहुत भारी भ्रम है। और महाराज कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। महाराज जो संशय का भ्रम बहुत बड़ा है वो छोटे में जाने वाला नहीं है, इसलिए आप क्या करें, कहूं कथा नाथ विस्तारी। कथा विस्तार से कही है, या लग जी समझ गए जाना कैंसिल, क्योंकि विस्तार होगा तो बैठना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। यहां देखो संतों की अपनी कला होती है, विद्वान व्यक्ति की बात ही अलग होती है। महाराज विद्वान व्यक्ति सारे इशारों में क्या कह देता है, क्या कर देता है, ये कोई नहीं जान पाता। आज जैसे ही कहा, तुलसीदास जी की कलम चढ़ पड़ी और लिख पड़ी, जाग वाले के बोले मुस्काई, जाग वाले के बोले मुस्काई, तुम्हें वेद रघुपति प्रभुताई, तुम्हें वेद रघुपति प्रभुताई, राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी में जानी, चतुराई तुम्हारी में जानी, चाहो सुने राम गुण गुड़ा, चाहो सुने राम गुण गुड़ा, सुनहु सादर मन लाए कहूँ राम के कथा सुहाई, तात सुनहु सादर मन लाए कहूँ राम के कथा सुहाई, महामोह महिष विशाला राम कथा कालिका कराला, महामोह महिष विशाला राम कथा कालिका कराला, राम कथा सस किरण समाना संत चकोर कर रे पाना, राम कथा सस किरण समाना संत चकोर कर रे पाना, ऐसे ही संशय कीनी भवानी, ऐसे ही संशय कीनी भवानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी, शंभु गए कुंभ जर सिपाही। जैसे ही भरद्वाज ऋषि ने कहा, महाराज मेरा भ्रम बहुत भारी है, थोड़ा विस्तार से आप कहिए कथा। क्या कहा?
कहा हो सो कथा नाथ विस्तारी, विस्तार से कथा करें। तो तुलसीदास जी करें, जागवलिक बोले मुस्कुराई, याज्ञवलिक ऋषि मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले, आप सब जानते हैं राम कथा के बारे में और ये मुझे पता है, क्यों? क्योंकि जो रघुपति हैं, जो राम हैं, वो आपके इष्ट हैं। आप निरंतर उनके मन क्रम वचन तीनों से उनका ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, ये मुझे पता है। राम भगत मुनि तुम मन क्रम बानी, मन से क्रम से वाणी से आप उनके भक्त हैं, पूजा करते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। क्यों, क्या चतुराई है मेरी? आपकी चतुराई ये है, आप राम की कथा सुनना चाहते हो। कैसी कथा? राम गुण गोढ़ा, गूढ़ कथा। देखो गूढ़ का मतलब है तत्व। देखो ये जो राम कथा है, ये चार प्रकार से सुनाई जाती है। इस कथा को सुनाने की चार घाट हैं, चार वक्ता हैं। एक घाट का नाम है शरणांगत घाट, एक घाट का नाम है भक्ति घाट, एक का नाम है कर्मकांड और एक का नाम है ज्ञान कांड। यानी कि ये समझ लो चार कथा के पंडाल है, सरलता के लिए कह रहा हूं। जैसे एक सरोवर होता है तो एक सरोवर में पानी पीने के लिए चार लोग जाते हैं, एक घाट पुरुषों के लिए, एक घाट स्त्रियों के लिए, एक घाट पशु पशुओं के लिए और एक घाट पक्षियों के लिए। दैन्य घाट के जो श्रोता हैं, वक्ता हैं, वो भगवान से एक ही बात मांगते हैं, क्या? हमें भक्ति दे देना। और ये कौन है? तुलसीदास जी। ये जो कथा चलती है ना, ये सारी की सारी कथा तुलसीदास जी ने किसी को नहीं सुनाई, अपने मन को सुनाई है। आप अभी आगे आगे समझेंगे, सुनेंगे। अपने मन को डांट डांट के कहते हैं, रे सठ मन क्यों नहीं भजता तू राम को। एक स्तोत्र है जिसको आप और हम लगभग लगभग हर कोई आदमी उसको जानता भी है, गाता भी है। उसकी पहली लाइन में ही तुलसीदास जी डांटते हैं अपने मन को और डांटते हुए कहते हैं, राम कैसे हैं तुम ऐसे, राम को तो क्यों नहीं भजता है। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, श्री राम चंद्र कृपा, भगवान राम कृपालु है, दयालु है, भय दारुणम, कंज लोचन कांज मुख पद, कंज पद राम कौन है? श्री राम चंद्र कृपालु।
वो कृपालु हैं, उनसा जैसा कृपालु दुनिया में नहीं है कोई दूसरा। जो कृपालु हैं वो श्री राम हैं। भज मन ए मेरे दुष्ट मन, तू उसे भज। मन ने पूछ लिया, प्रश्न किया, क्या होगा उसको भज के, क्यों भजूं उसे? तो तुलसीदास जी डांटते हुए कहते हैं, हरण भव भय दारुण। भव कहते हैं संसार को, भय कहते हैं डर को। इस संसार में जो डर है, भय है मृत्यु का, वो तेरा खत्म हो जाएगा। क्या होगा? हरण हो जाएगा तेरे भय का, मृत्यु का, और क्या होगा? तुझे मोक्ष मिल जाएगा। एक दिन इस पर चर्चा करनी है इस बार, क्योंकि तो फिर कभी देखेंगे, क्योंकि भगवान कृपा करे तो जैसा बुद्धि में देते जाएंगे वैसा आपको बताते जाएंगे, क्योंकि ये तो नहीं कहता कि हमें आता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, तुलसीदास जी दैन्य घाट शरणांगत घाट के वक्ता और श्रोता बनकर के कथा करते हैं और भगवान से यही याचना करते हैं, हमें भक्ति देना। जो भक्ति मांगता है वो दैन्य घाट का है। इसका मतलब जिसको भक्ति चाहिए उसके अंदर दैन्य का भाव होना चाहिए, दैन्यता होनी चाहिए, उसे झुकना आना चाहिए। आप देखोगे तुलसीदास जी अपने को डांटते रहते हैं, मन को डांटते रहते हैं, अपने को डांटते रहो, जहां कमियां दिखाई दे, जहां आपका मन खराब जाए वहीं मन को डांटो, वहीं मन के ऊपर चोट मारो। तो क्या कर रहा है? अभी अभी कथा सुन के आया, अभी भी ये कहां लग गया? ये दैन्य घाट के श्रोता और वक्ता का लक्षण है। दूसरा है भक्ति घाट। भक्ति घाट के श्रोता है पार्वती मैया और वक्ता है शंकर भगवान। और ये जो ज्ञान कांड होता है ना, यहाँ पर क्या होता है? डांटा जाता है। इसलिए हमेशा शंकर जी पार्वती मैया को जब जब कथा सुनाते हैं तब कहते हैं, सावधान सुन गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज कुमारी, पार्वती कहाँ तुम्हारा ध्यान है? सुनो सुनो सुनो। डांटते हैं पार्वती जी को बार बार। सावधान तया सुनो, जैसे ही देखते हैं पार्वती जी का मन थोड़ा इधर उधर भटकता है तुरंत डांट मारते हैं। ये ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड में डांटा जाता है। आप कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो भैया, चलो इधर इधर। ये ज्ञान कांड के श्रोता हैं शंकर जी। कर्म कांड में याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं भरद्वाज जी को, और ज्ञान भक्ति कांड के जो श्रोता और वक्ता हैं काकभुसुंडी गरुड़ जी, उनकी कथा अलग चल रही है। ये चार चार घाटों पर एक साथ कथा चलती है वाली। और पता है हर किसी की कामना अलग है, हर किसी की इच्छा अलग है, हर किसी का भ्रम और संशय अलग है। आज जैसे ही कहा, चाहो सुने राम गुण गोढ़ा, मैं समझ गया आप गूढ़ राम कथा सुनना चाहते हो, इसीलिए आपने प्रश्न ऐसा गूढ़ किया है, मूर्खों जैसा प्रश्न किया है आपने, मूढ़ा। और मैं जानता हूं आप मूर्ख नहीं हैं, लेकिन आपका प्रश्न मूर्खों वाला है। आपने इतने प्रेम सहृदय सादर से किया है, मैं इसको मना भी नहीं कर सकता। एक बात बताएं, एक आदमी बहुत विद्वान हो लेकिन चर्चा ऐसे प्रारंभ कर दे तो उसके सामने बोलने का मन करता है, जबकि पता है इससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका कहने का तरीका ऐसा होता है कि स्वतः अंदर से स्फुरित हो जाता है। तब याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, भरद्वाज जी जब आपने कही दिया है, सुनना ही आप चाह रहे हो, तात सुनहु सादर मनु लाई। हे तात, आप सादर मन लगा करके सुनिएगा। देखो इस कथा को मन लगा के सुनोगे तभी आपके समझ में आएगा, तभी काम होगा।
इसलिए कोशिश करिएगा आप जितनी देर भी कथा में बैठे मन लगा के बैठो, अपने मन को इधर उधर भटकने न दें। कहाँ हूं मैं कई कथा सुहाई, अब मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाता हूं। और ये भगवान की कथा कैसी है, जैसे महिषासुर को मारने के लिए माँ भगवती दुर्गा है, ऐसे ही कलिकाल में कली के कलुषित प्राणियों के कलुषित हृदय के अज्ञान को मिटाने के लिए ये राम कथा है। महामोह महिषेश विशाला, ये महिषासुर कलयुग में किस रूप में है, बड़े बड़े मोह के रूप में, और मोह रूपी महिषासुर से हर कोई आदमी ग्रसा हुआ है, पकड़ा हुआ है, और मोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए राम कथा कालिका कराला। ये जो राम कथा है ये माँ कालिका के समान है, जैसे कालिका ने उस महिषासुर का उद्धार किया, वैसे ही मोह रूपी महिषासुर मारा जाएगा। कब? जब सादर मन लगाकर सुनोगे तब। तुलसीदास जी कहते हैं सबसे बड़ा महिषासुर तो हमारा मोह है, और इसी मोह के कारण हम कथा नहीं सुन पाते, कथा में नहीं आ पाते। लोग कहते भी हैं, क्या कहते हैं, कल से सुनेंगे, आज तो कथा ही सुनो। ये राम की कथा क्या है, चंद्रमा की किरण की तरह है, जिसका पान कोई कोई संत चकोर बनकर के करता है। देखो ये जो राम कथा है इसकी महिमा को कोई संत जानता है, कोई, हर कोई नहीं, कोई। संत चकोर करहि जेहि पाना, याज्ञवल्लभ जी कहते हैं मैं तुम्हें कोई कथा नई सुना रहा हूं। जो कथा भगवान महादेव ने भवानी को सुनाई वही कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। हमारे ग्रंथों में एक बहुत अच्छी बात है, और क्या है पता है, बड़े बड़े ज्ञानी संत महात्मा, बड़े बड़े ऋषि सब कुछ कह जाते हैं, लेकिन कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने ऐसा उनसे कहा था, उनसे मैंने सुना, मैंने आपसे कह दिया। यानी कि मेरा कुछ नहीं है, इसका मतलब अहंकार की निवृत्ति है। वरना आजकल तो ऐसे ऐसे लोग हैं महाराज, होगा दूसरे का बोलेंगे, खुद हमने लिखा है, लिखा किसी और ने है, लेकिन मुंह से कहेंगे हमने ऐसा लिखा था, एक दिन भाव में आया। एक बात बताएं, हम सारे जगत के लोग व्यास जी का जूठन खाने वाले लोग हैं। व्यास जी ने जितना लिखा है हम उसी में से पढ़ करके लिख करके गुण करके बोल देते हैं, हमारा अपना कुछ नहीं होता। हाँ, अच्छी अच्छी बातें जो है वो सब शास्त्र की है, जो बुरी निकल रही हैं यार कभी निकल जाती हैं भाववश, वो हमारी हो सकती है। क्यों? क्योंकि शास्त्र में कुछ गंदा है ही नहीं, कुछ ऐसा नहीं है शास्त्र में जो आप समझो कि इसको फेंकने लायक है। आज कहते हैं जैसा संशय तुमने किया है ऐसा ही संशय एक बार, ऐसे संशय कीन भवानी। माँ भवानी ने एक बार ऐसा संशय किया, महादेव तब कहा बखानी। तब भगवान शंकर ने उन्हें जो सुनाया वो मैं तुम्हें सुना देता हूं। अब भरद्वाज ऋषि सावधान होकर आसन में बैठ गए, याज्ञवल्लक ऋषि सामने बैठे हैं, कथा का प्रारंभ हुआ। और प्रारंभ कहां से किया, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सते जग जननी भवानी, संग सते जग दंडे भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा महेश सुखवानी,
बार त्रेता युग माही। ऐसा ही संशय भवानी से कहा था महादेव, तब भवानी से कुछ कहें तो पता है सती मैया ने जब प्रश्न किया तो सीधे उन्हें लेकर के गए कुंभ ऋषि के पास। कुंभ से दो ऋषियों का जन्म है, एक वशिष्ठ का एक अगस्त का, कैसे वो कथा फिर अलग है। तो अगस्त ऋषि के आश्रम में गए दोनों, क्योंकि देखो शंकर जी जानते हैं सती ज्यादा पढ़ी लिखी बाप की बेटी है, और ज्यादा पढ़ी लिखी बाप की बेटी को समझाना मेरे बस में नहीं है। अच्छा एक बात और होती है, पता है आपको, शंकर जी को पता है सारी दुनिया को तो मैं समझा सकता हूं लेकिन इसको नहीं समझा सकता, सारी दुनिया को समझा दूंगा। अपनी पत्नी अपने बच्चों को समझाना हो तो किसी दूसरे के पास ले जाना पड़ता है, बिल्कुल हिटो। अब लेकिन उस समय में तो वो बेचारी चली जाती थी, चलो। अब आजकल वाले तो कहते हो। तो भगवान शंकर त्रेता युग की कथा है, जब राम जी को जन्म हुआ है, राम जी को वनवास भी हो गया, उस समय की कथा है। अगस्त के आश्रम में गए किसको लेकर के, तुलसीदास जी कहते हैं जग जननी, जो सारे जगत की जननी है, कौन है, भवानी। जैसे ही आज ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं, अगस्त ऋषि बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं, कभी मौका मिला तो अगस्त ऋषि की महिमा आपको विदित कराएंगे। अगस्त ऋषि ने जैसे ही देखा जगत के माता पिता दोनों आ रहे हैं मेरे आश्रम में, अगस्त ऋषि तो निहाल हो गए। अगस्त ऋषि दौड़ करके गए भवानी और शंकर के चरणों में गिर गए, दिव्य सिंहासन पर बैठाया दोनों माता पिता को, उनके चरण धोए, वंदन किया, आरती उतारी। सती मैया के मन में संशय हो गया, एक शंका हो गई। शंका क्या हुई पता है, मेरे पति तो कह रहे थे बहुत विद्वान आदमी, बहुत जानकार है, चलो उसके पास चलते हैं, थोड़ा सत्संग करेंगे, कथा सुनेंगे। मैंने सोचा मेरे पति से भी ज्यादा विद्वान होगा, तभी तो पति आए हैं यहां। लेकिन ये कैसा वक्ता है जो श्रोता को पहले ही मान सम्मान दे रहा है। अरे आज तक तो ऐसा देखा है हमने, सुना है हमने, वक्ता का पूजन श्रोता करता है, लेकिन पहली बार देखने में आ रहा, उल्टी गंगा बहार आए। तो ऐसा सती मैया सोच रही हैं, और शंकर भगवान क्या सोच रहे हैं पता है, शंकर भगवान सोच रहे हैं वाह देवता, आप इतने बड़े योगी होकर के, साधक होकर के, सिद्ध होकर के, आपके मन की सरलता, सहजता, विनयता ने हमारा मन जीत लिया। एक बात कहें, आदमी बहुत ऊंचा उठ जाए ज्ञान में, रूप में, बल में, सिद्धि में, योग्यता में, लेकिन व्यवहार की सरलता उसकी तिनके से भी हल्की हो जाए। तृणाद भी सुनी चेना, हम स्वभाव से इतने हल्के हो जाए। देखो देखो वजन से तो हल्के नहीं हो सकते, वजन तो भारी रहेगा, लेकिन स्वभाव में हल्के हो जाए, हमारा स्वभाव इतना सरल सहज हो जाए, तिनका भी भारी भारी। शंकर भगवान की आंख में तो आंसू तक टपकने को तैयार है, संत की सरलता देखकर, सहजता देखकर। ये कथा आपको एक सीख दे रही है, किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति की सरलता को, सहजता को आप गलत मत समझ लेना। अगर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है, उसकी श्रेष्ठता पर, उसकी सरलता, सहजता, नम्रता को देख करके आप कहीं कुछ गलत अपमान, कुछ गलत मत सोच लेना। एक बात बताएं, श्रेष्ठ को जानने की जरूरत नहीं होती, श्रेष्ठ को मानने की जरूरत होती है।
लेकिन आज की समस्या क्या है पता है पढ़े लिखे समाज में, आज लोग श्रेष्ठ को मानते नहीं हैं, जानने का प्रयास करते हैं। भलाई इसमें है आप श्रेष्ठ को मान लो, ये श्रेष्ठ है, लेकिन हमारी समस्या क्या है, बिल्कुल पहले हम परीक्षा करो तन और तो ये जानने नहीं जाने, फिर देखो तनो फिर बात करो, समस्या यहाँ है। अरे भैया श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ ही होता है, उसकी परीक्षा कौन कर सकता है, और जो जितना श्रेष्ठ होता है वो उतना सरल और सहज होता है। शंकर भगवान तो श्रेष्ठता को देख करके गदगद हो गए, लेकिन भवानी के मन में शंका उत्पन्न हो गई। जहां संशय उत्पन्न हो जाएगा वहां मन कथा में नहीं लग सकता, मन धर्म में नहीं लग सकता, मन पूजा पाठ में नहीं लग सकता। इसीलिए जब पूजा पाठ से पहले ही हमारा मन संशय हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे मन में हमारी बुद्धि में थोड़ा गर्माहट आ जाती है, पूजा में बैठने के बाद भी हम लोग कहते हैं बिल्कुल हो पूजा में भैरू पर कहले कर सके मेरा मन खराब है रहो, दिमाग मेरा गर्म हो रहा, बैठा जरूर पूजा में है हम लोग, तुम हम बात जन कर जा चुपचाप बस जब करना रहा। इसलिए यहां पर संशय का निकलना बहुत जरूरी है। श्रेष्ठ को मानिए, उसे जानने का प्रयास मत करिए। श्रेष्ठ क्या कर रहा है उसे करने दो, क्यों कर रहा है क्यों करा, इसमें अपनी बुद्धि को माता पच्चीसी मत करो। जो श्रेष्ठ होते हैं वो कभी कभी ऐसा व्यवहार कर देते हैं सामने देखने वाले को भ्रम हो जाता है इसने ये क्या कर दिया, लेकिन उसने वो क्यों किया है ये वो जानता है, ये आप नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि वो श्रेष्ठ है, इसलिए उसे पता है मैंने क्या किया है, मैं क्यों कर रहा हूं, ये सब क्यों हो गया है। ऋषि ने जब पूजा करी पाठ करी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके कहा नाथ आपके आगने का कारण, भगवान शंकर ने बड़े प्रेम से कहा मैं राम की कथा सुनने आपके पास आया हूं, आज याज्ञवल्क्य कुंभ अगस्त ऋषि की आंख में आंसू चले आए और पता है क्या सोचने लगे, दुनिया का पहला वक्ता मेरे से कथा सुनने आया है, मेरी वाणी आज धन्य हो जाएगी। एक बात कहें, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति कथा सुनता है ना तो श्रोता की वाणी धन्य हो जाती है, और उसमें अगर कोई संत हो और संत में भी अगर सदगुरु कथा सुन ले फिर तो क्या कहना, मेरी वाणी धन्य हो जाएगी, मेरी वाणी अलंकृत हो जाएगी। मेरे जीवन का सबसे बड़ा फल मेरा यही है, मैं ऐसे व्यक्ति को कथा सुना रहा हूं जिसके मुख से स्वयं कथा निकली है। ये भगवान शंकर ऐसे देवता है महाराज, बिना इनके तो कुछ शुरू ही नहीं होता, बिना इनके कुछ शुरू नहीं होता, किसी देवता का काम बिना शंकर के चलता ही नहीं। भगवान नारायण जब बद्रीनाथ बनकर के विराजमान होते हैं तो शंकर केदारनाथ बनकर के खड़े हो जाते हैं, और यही जब जगन्नाथ बनकर के खड़े होते हैं तो ये सोमनाथ बन जाते हैं, द्वारिकाधीश है तो सोमनाथ है। जहां नारायण का मंदिर मिलेगा वहां शंकर जी का मंदिर जरूर होगा, कोई सिद्धपीठ याद करके देख लेना आप। रामावतार में हनुमान जी बन के आए तो कृष्णावतार में बंसी बन के चले आए, बंसस्तु भगवान रुद्रः। और तो छोड़ो महाराज, कृष्ण ने कह दिया मेरी रास में किसी को प्रवेश नहीं है, लेकिन शंकर बाबा गोपी बन के ही चले आए, बिना गोपेश्वर के रास हो ही नहीं सकता। और ये शंकर भगवान इतने दिव्य हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, बिना इनके कुछ नहीं होता,
आप कोई भी कथा सुन लो उठा करके, बिना संग शिव कथा के प्रारंभ ही नहीं होता कुछ। आप भागवत जी सुनते हो ना, भागवत जी में पहले राम कथा, राम कथा से पहले शिव कथा आती है, और राम कथा में पहले शिव कथा है। ये शिव ही तो है, शिव का मतलब होता है कल्याण, ये कल्याण करने वाला देवता है। आज ऋषि ने बहुत सुंदर राम कथा सुनाई। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, बहुत सुंदर दिव्य राम कथा हुई। तुलसीदास जी ने 9 दिन जब कथा पूरी हुई तो उसके बाद लिख दिया, सुनी महेश परम सुख मानी। मात्र सुनी किसने? महेश। यहां पर भवानी को गायब कर दिया, मानो है ही नहीं वो। इसलिए देखो सुनने वाला एक ही होता है, जरूरी नहीं इतने सब लोग आए हैं तो सभी सब कथा सुन रहे होंगे। सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने जैसी ही दिव्य कथा को सुना है, सुख का आनंद की अनुभूति हुई। और पता है जब आनंद में परिपूर्ण हो गए शंकर जी, तो शंकर जी ने कहा, कहो आपको कथा सुनाने की दक्षिणा में क्या दे सकता हूं? क्यों? कथा की दक्षिणा कोई दे नहीं सकता, लेकिन जो आपको जरूरत हो अगर वो दूंगा तुम्हारे काम आएगा। बोलो आपको क्या दूं? अब तो अगस्त ऋषि को मौका मिल गया। और बताएं, ये जो अगस्त ऋषि हैं, ये बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन भगवान की भक्ति इनके पास नहीं है। हाथ जोड़ के भगवान शंकर के चरणों में गिर के बोले, नाथ मैंने आपको राम कथा सुनाई है, अगर आप इस राम कथा के बदले में कुछ देना ही चाहते हैं। रेसे पोछी हरि भगति सुहाई, कहे शंभु अधिकारी पाई। हे नाथ मैंने आपको राम कथा सुनाई है, आप मुझे उस हरि की भक्ति प्रदान कर दो। कथा को समझो, ये जो भगवान की भक्ति है, या तो कोई संत दे सकता है या फिर भगवंत दे सकता है, ये ऐसे ही नहीं मिलती किसी को। ये जो भक्ति है ना, बहुत कठिन है। भक्ति 9 प्रकार की है। देखो अगस्त ऋषि जैसा व्यक्ति भी कह रहा है, मेरे को भक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि कल्याण व्यक्ति का भक्ति से होता है। महाराज अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, ऋषि पूछी, ऋषि ने पूछा, क्या हरि भगति, उन हरि की मुझे दो आप, भक्ति की कथा सुना दो आप। भगवान शंकर ने सोच लिया ये अधिकारी है। देखो भगवान भक्ति उसको देते हैं जो अधिकारी होता है, और जो अधिकारी है अगर उसके पास भक्ति आएगी ना, तो राम को बुलाना नहीं पड़ेगा, परमात्मा को बुलाना नहीं पड़ेगा। चित्रकूट भगवान बिना बुलाए पहुंचे। चित्रकूट ने नहीं कहा तुम यहां आओ। वनवास में भगवान उत्तर छोड़ करके, जबकि उत्तर दिशा में सब लोग आते हैं, क्यों? क्योंकि उत्तर में हिमालय है, यहां आकर के साधना करते हैं। तो भगवान भी सोचते 14 वर्ष का वनवास मिला है तो चलो उत्तर में चलते हैं, साधना कर लेंगे। लेकिन भगवान उत्तर छोड़ करके उधर को निकल गए। क्यों? क्योंकि चित्रकूट में एक भक्त रहता है, उसकी भक्ति देख करके भगवान राम भी इधर को ना आकर के उधर को चले गए। कौन है वहां भगत पता है? विंध्यांचल पर्वत। विंध्यांचल पर्वत गुरु भक्त है। इसके गुरुजी ने कहा था, बेटा नीचे झुक जा,
तब तक मत उठना जब तक मैं न कहूं। आज भी झुका पड़ा है, इसके पीछे बहुत दिव्य कथा है। और हमारी माँ भगवती जगदम्बा वहीं विद्यमानसनी बनकर विराजमान हो गई गुरु भक्ति देखकर, और हमारे प्रभु राम भी वनवास में सबसे पहले वहीं गए। जहां गुरु भक्ति होती है, गुरु शरणागति होती है, गुरु के वचनों का पालन हो जाता है, भगवान वहां बिना बुलाए आता है। भक्ति या तो भगवंत दे सकता है या संत दे सकता है, लेकिन देगा कब? जब आप में वो अधिकारिता आएगी, वो पात्रता आएगी आप में। देखो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, घंटी बजा लो, शंख बजा लो, जय जय कर लो, ये तो कर्म है भैया, ये भक्ति नहीं है। अगर कोई आदमी ये सोच रहा है मैं 4 घंटे बैठा हूं, भजन कर रहा हूं, भक्ति हो गई, ये उसकी गलत फहमी है। 4 घंटे बैठ करके भजन करना भक्ति नहीं होती, ये तुम्हारा कर्म है, तुम कर्म कर रहे हो। भक्ति किसे कहते हैं? सबसे पहला लक्षण भक्ति का है, अगर तुम्हें भक्ति है, श्रवणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मसख्य निवेदनम। ये 9 भक्तियां हैं। ये अर्चा भक्ति तो बहुत पीछे है। सबसे पहली भक्ति का नाम है श्रवणम। आप कथा सुनने के लिए भाग जाओ, पहुंच जाओ, ऐसा नहीं जब समय निकला तब पहुंचेंगे, ये श्रवण नहीं है, ये तो व्यवहारता है। बिल्कुल, चलो समय निकल गया आज वहीं हो आते हैं, इसे श्रवण नहीं कहते। श्रवण उसे कहते हैं समय नहीं है फिर भी निकाल के आ रहे हो, 3 घंटा सब छोड़ के आए हो, इसका मतलब आप में पहली भक्ति जागृत हो रही है, उसका नाम है श्रवण। भगवान का कीर्तन वो कर सकता है जो पहले सुन सकता है, इसलिए दूसरे नंबर में श्रवणम कीर्तनम, जो कीर्तन करेगा, स्मरणम वही स्मरण कर सकता है भगवान को। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम, जो स्मरण करेगा भगवान का वही भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा ठीक ठाक कर सकता है। ये जो मूर्ति पूजा होती है ना, ये मूर्ति पूजा में मन नहीं लगता हम लोगों का, क्यों? क्योंकि श्रवण नहीं, कीर्तन नहीं, स्मरण नहीं है, इसलिए मूर्ति पूजा में मणि सर्प दे दे गंदे ही आजकल ले जा, वो सर्प से भगवान नहला रहे हैं जूने से। ये भक्ति है, इसे भक्ति कहती है। अगर आपने उनके बारे में सुना होता, उसका कीर्तन किया होता, उसका स्मरण किया होता, तो आपका भाव नहलाते समय आता। लेकिन हमने तो कई ऐसे भी देखे, अब तो भगवान की बड़ी कृपा है महाराज, पीताम्बरी आ गई, नहीं तो बड़ी दुर्दशा थी भगवान की, लोग सर्प से ही रगड़ते थे कुछ महीने पहले तक। एक दिन हमने कहा क्या कर रहा भाई, बोले गंदे हो गए, साफ कर रहा हूं, और पता साफ करने भी अंदर से लेके आया था बाहर बाथरूम में। ये तो सोच है भगवान के प्रति लोगों को, ऐसे थोड़ी होता है। भाव जागृत, आज महादेव ने भक्ति का वरदान दिया है कुंभज ऋषि को। कुंभज ऋषि नाचने लगे, वहां से विदाई ली है। भगवान शंकर समझ गए, इधर तुलसी बाबा ने लिख दिया, मुनि सन विदा मांज त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। कुछ समय भगवान महाश्रम में विराजमान रहे, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा, फिर भगवान ने विदा मांगी है, चले हैं। और जैसे ही चले हैं भगवान, तो भगवान के मन में पता है क्या भाव आया?
काश मेरे प्रभु ऐसा कर देते, मैं जिसकी कथा सुनकर आ रहा हूं उनका मुझे दर्शन हो जाता। देखो जिसकी कथा सुन के आ रहे हैं ना उनका चिंतन चल रहा है और मन में भाव आ रहा है काश वो मुझे दर्शन दे देते। शंकर जी के मन में एक छटपटाहट होने लगी और पता है जो भगवान शंकर दक्षिण को जा रहे थे, शंकर जी उत्तर को जा रहे थे, राम जी दक्षिण को जा रहे थे, वो राम जी अचानक उत्तर को मुड़ गए। लक्ष्मण ने पूछ दिया ये क्या कर रहे हो, बोले नहीं कुछ काम याद आ गया। जो राम जी दक्षिण को जा रहे थे वो राम जी उत्तर को मुड़ गए, क्यों? क्योंकि उत्तर को शंकर जी जा रहे हैं। और राम जी के मन में भी आया भोले बाबा को दर्शन देना है, दर्शन करना है। और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो देख लिया, जैसे ही देखा है शंकर जी ने तुरंत प्रणाम किया दूर से, क्योंकि शंकर जी को पता है मेरे प्रभु का अवतार हुआ है रघुवंश में, अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए मेरे प्रभु एक साधारण मानव की तरह लीला कर रहे हैं। मैं कहां ढूंढूं उन्हें, मैं तो ढूंढ नहीं सकता, मेरे प्रभु कृपा करें मुझे इस वन में कहीं ना कहीं दर्शन दे दे। देखो इस संसार में हम भी भगवान को नहीं ढूंढ सकते, लेकिन भगवान कृपा करे तो हमको कहीं भी दर्शन दे सकते, जहां चाहे हमको वहां दर्शन दे दें उनकी कृपा। मन में सोच ही रहे थे आगे निकले, शंभु समय तेहरा मैं ही देखा, शंभु समय उसी समय देख लिया सामने मैं ही देखा, उप जाहे अति हर शुभ सेशा, उप जाहे अति हर शुभ सेशा, हरि लोचन छवि सिंधु निहारे, हरि लोचन छवि सिंधु निहारे, कुसुमाय जानी नकी भगवान शंकर सोचते सोचते जा रहे थे। और पता है कभी कभी होता है हम जैसा सोच रहे हैं या जिसके बारे में सोच रहे हैं वो सामने आ जाए या उसका फोन आ जाए तो तुरंत एक चेहरे में खुशी भी होती है, हर्ष भी होता है। और कहते भी हैं भाई तुम्हें याद किया, तुम चले आए, तुम्हारी उम्र बहुत बड़ी है। बाबा ने याद किया और राम जी सामने देख गए। भगवान ने उपजा ही अति हर्ष विशेषा, एक विशेष हर्ष प्रेम उत्पन्न हुआ शंकर जी के अंदर। भगवान ने अपनी आंखों से खूब भर करके दर्शन किया, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, लेकिन समय अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, मेरे प्रभु अभी लीला कर रहे हैं इसलिए मुझे उनके पास नहीं जाना चाहिए। ये सोच करके मेरे प्रभु भगवान शिव ने दूर से
हे सच्चिदानंद जग पावन, कहते हुए दूर से हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया। कैसे अभी अभी रामलीला गई है, रामलीला में किसी का बच्चा अगर कुछ पात्र बना हो, स्टेज पर अगर कोई मंचन कर रहा हो, तो उसका मित्र उसके माता पिता दूर से देख के हाथ जरूर जोड़ते हैं, लेकिन स्टेज में जाके कोई बोलता है उससे कुछ? बोलता है? वो दूर से ही देखता है उसे। ऐसे ही भगवान शंकर ने भी सोचा, अभी अभिनय चल रहा है और अभिनय के बीच में जाना ठीक नहीं है, इसलिए दूर से प्रणाम कर लिया। कुसुमय जानी नकीनी चिनारी, समय ठीक नहीं है, भरी लो जन छवि सिंधु निहारी, अस कही चले मनोज न सावन, प्रणाम किया। राम जी तो अपने रास्ते थे, चलते रहे। इधर सीता मैया ने जब सुना जय सच्चिदानंद जग पावन, किसको कह रही है ये सामने जो जा रहा रोते हुए, पूछ लिया, नाथ आप कथा सुन के बाबरे तो नहीं? क्योंकि कथा सुनने के बाद आदमी अगर सुधर जाए तो लोग कहते हैं पागल हो गया ही कथा सुनकर। अगर किसी का बच्चा चेंज हो जाए ना, लोगों को लगता पागल हो गया, बाबा जी बनेगा। नाथ आप किसको क्या कह रहे थे? तीन नृप सुत ही कीन परनामा, आपने राजा के बच्चों को क्यों प्रणाम किया? तब शंकर जी बोले, देवी क्या कह रही हो तुम? जिसको राजकुमार समझ रही हो, राजा का बेटा समझ रही हो, ये राजा का बेटा नहीं है, ये सारे संसार का पालन करता है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज सकल अनीह अभेद, सोई की देह धरि सोई नर, जाहि न जानत बेद। ये ब्रह्म है, व्यापक है, ये नर रूप में धारण, नर रूप धारण करके प्रकट हुआ है, लेकिन इसे वेद भी नहीं जानते। वेद भी कह देते हैं नेति न जानामि, जाहि न जानत वेद पुराण, वेद पुराण कुछ नहीं जानते इसे। देवी सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, भगवान शंकर त्रिपुरारी हैं, सब जानने वाले हैं, वो समझाते हैं, विष्णु ही हैं। लेकिन एक बात बताएं, जिसके मन में संशय हो गया हो उसको कौन समझाए? जब अज्ञान ने अपना घेरा बना लिया, कौन समझाए, कौन समझा सकता है? तब सती मैया ने फिर कह दिया, अगर ये परमात्मा है, अंतर्यामी है, तो ये पेड़ वृक्षों से, पत्तों से, पशु पक्षियों से क्यों पूछ रहा है उसका पता? क्या इसे पता नहीं है इसकी सीता कहाँ है? शंकर जी ने कहा, देवी ये तुम नहीं समझ पाओगे, हर अंतर्यामी सब जानी। शंकर जी कहते हैं वो जानते सब हैं, लेकिन नाटक ऐसा कर रहे हैं कि देखने वाले को लग रहा है कि वो कुछ नहीं जानते। ऐसा ही आपको और हमको भी होता है ब्रह्म, कभी कभी चेला समझता है गुरुजी को कुछ बताना, लेकिन उसे ये पता नहीं होता गुरुजी को सब पता लग गया। और कई बार होता है गुरु के मन में भी संशय होता है, किसी को कुछ पता नहीं लगा, लेकिन सबको पता होता है। इसलिए ये गलतफहमी हटा देना कि किसी को कुछ पता नहीं, इससे बच के रहना। आज कहा शंकर जी ने, देवी हर अंतर्यामी सब जानी, ये ऐसा परमात्मा है जो घट घट की जानता है, हर मन की जानता है, हर तन की जानता है, लेकिन अभिनय इतना बढ़िया कर रहा है, जो देख रहा है उसको ऐसा ही लग रहा है कि ये कुछ नहीं जानता। देवी जिसकी कथा अभी अभी तुम और मैं कुंभज ऋषि से सुन करके आ रहे हैं,
जिनकी भक्ति का वरदान मैं अभी अभी उनको दे के आ रहा हूं, ये वही है। और जानती है ये मेरा कौन है? सोए मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। सोए मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि शेर जोगे से संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहि नेत निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनि, अवतरे हो अपने भगत हि जनिज जनित रघुकुल मनि। निज जनित जनित रघुकुल मनि, निज जनित जनित रघुकुल मनि। हे देवी, मेरा इष्ट देव है जिसको बड़े बड़े सिद्ध योगी मुनि ध्यान में ध्याते हैं, जो ध्यान में भी किसी को दर्शन नहीं देता, ये वो परब्रह्म राम है, व्यापक राम है। परीक्षा लेने की इच्छा हुई, भगवान शंकर ने भेज दिया। बहुत समझाने पर भी जब नहीं समझी, आज परीक्षा लेने जाने दीजिए, कल देखते हैं क्या होता है। भगवान कृपा करें तो कल हम सती विरह के साथ साथ पार्वती जन्म और पार्वती विवाह सबकी कथा करने का प्रयास करेंगे। बाकी माई की जैसी कृपा होगी, राम जी की जैसी कृपा होगी, वैसी कथा होती जाएगी। तो इसी के साथ दो मिनट के लिए नाम संकीर्तन करें और फिर सभी लोग आरती लेकर प्रसाद लेकर, और अगर कुछ कहना हो तो बताइएगा। बल समय से हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे रामा हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। श्रीगौमाता श्रीसीतारामचन्द्रदेवचरणार्पणमस्तु।